हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो बोलते हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि आप सभी के लिए आ चुकी है हाई कोर्ट में नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट की नई भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हाई कोर्ट में जो भर्ती निकाली गई है ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, यानी कि दोस्तों अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल लड़के लड़कियां सभी के लिए यहाँ पर जॉब निकाली गई है। टोटल पद की बात की जाए तो यहाँ पर जो पद जारी किए गए हैं 410 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो 410 पद है, बड़ी भर्ती है, अप्लाई कीजिएगा, आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। बात करते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती है, तो क्लर्क के पद यहाँ पर जारी किए गए हैं, वहीं असिस्टेंट के पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर वन जो वैकेंसी है वो है क्लर्क की, नंबर टू जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट की। तो असिस्टेंट और क्लर्क की पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि ऑल इंडिया की जॉब है। तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं फ्रेंड्स, आप सभी कैंडिडेट्स जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए यहाँ पर जॉब निकाली गई है। तो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। और रोजाना इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि रोजाना आपको नई जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज की नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि आप जानते हैं हाई कोर्ट की नई भर्ती है। तो फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी निकाली गई है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की तरफ से निकाली गई है, रांची की तरफ से। एड्रेस नंबर आप जानते हैं कौन सा है यहाँ पर, वैकेंसी कौन सी है, असिस्टेंट की है और क्लर्क की वैकेंसी है। सिविल कोर्ट में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ये वैकेंसी किस प्रकार की है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ये कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों यहां पर आप सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुकी है इस साल 2024 की। तो इस साल 2024 की ये नई वैकेंसी है जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें जो वैकेंसी निकाली गई है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से है, यानी कि सिविल कोर्ट की वैकेंसी है, ठीक है। यहां पर पोस्ट की बात की जाए तो यहां पर क्लर्क की वैकेंसी है नंबर वन और असिस्टेंट की नंबर टू वैकेंसी है, ठीक है। तो दो प्रकार की वैकेंसी है, क्लर्क की और असिस्टेंट की। बात की जाए टोटल कितनी वैकेंसी है तो 410 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है और इसका अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा दोस्तों वो केवल ऑनलाइन ही रहेगा, मतलब कि आपको इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन ही फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। और जॉब लोकेशन की बात की जाए तो यहां पर झारखंड हाई कोर्ट की रहेगी, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से अप्लाई करें, चाहे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जॉब आपको कहां पे करनी होगी, झारखंड में, ठीक है। सैलरी की बात की जाए तो 25,500 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको बेसिक पे स्केल मिल रहा है, प्लस आपका ग्रेड पे अलग से होगा, ठीक है। तो सैलरी काफी अच्छी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका जो होगा मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। इस प्रकार आपका सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सीबीडी बेस आपके एग्जाम की तैयारी करनी होगी या फिर आपका ओएमआर बेस भी एग्जाम हो सकता है। तो आपको रिटन एग्जाम की तैयारी सबसे पहले करनी होगी, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं, थोड़ा हम आपको समझा देंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट है वो कम से कम 21 साल है, अगर आप 21 साल के हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 35 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 से 35 साल तक का क्राइटेरिया है एज लिमिट का। वही एज का रिलेशन आपको मिल रहा है, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी पा सकते हैं, एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल को आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी यहाँ पर दिया जाता है। तो अप्लाई कीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। तो यहाँ पर जो फीस रखी गई है दोस्तों वो जनरल ओबीसी के लिए केवल 500 रुपए है जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, बाकी एससी एसटी के लिए 125 रुपए है, इसका भी पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, बाकी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों सिविल कोर्ट की क्लर्क और असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए केवल यहाँ पर ग्रेजुएट और यहाँ पर अगर आप डिग्री पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास में डिग्री है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस में से हो या बीबीटेक हो,
तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पर दे रखा है और इसके आवेदन जो है इंपॉर्टेंट डेट्स में आप चेकआउट कर सकते हैं कि कब से स्टार्ट किए जा रहे हैं। 10 अप्रैल से इसके ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 9 मई 2024। 9 मई तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 9 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है, अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सबसे पहले नंबर का जो लिंक है ये रहा, यहाँ से आपको जस्ट क्लिक करना है। आप क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएंगे और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट कीजिएगा, सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताएंगे। वहीं दोस्तों यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ये रहा लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है, आप देख सकते हैं ये रहा नोटिफिकेशन आपके सामने, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट और क्लर्क की पोस्ट है, कहां से है, झारखंड हाईकोर्ट से है। सिविल कोर्ट के लिए यहाँ पर आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ झारखंड के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है, रिजर्व कैंडिडेट्स एससी एसटी के लिए, इनके लिए अनरिजर्व जनरल के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। टोटल 410 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है जिसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे, 9 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी कितनी मिल रही है और कौन कौन सी पोस्ट है, आप देख सकते हैं 25,500 से 81,100 रुपए आपको लेवल 4 के अकॉर्डिंग 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। वही क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएट अगर आप पास है, डिग्री पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दे रखा है, अगर आप भारतीय नागरिक है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है, वो सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है और अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, वो भी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों हाईकोर्ट की इस वैकेंसी क्लर्क और असिस्टेंट के लिए आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली आपको लास्ट के पेज में आना है, 8वें नंबर के पेज में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को आपको चेकआउट करना है। यहां पर कौन कौन सा आपका टेस्ट लिया जा रहा है, सीबीडी टेस्ट, रिटन एग्जाम और आपका एमसीक्यू लिया जा रहा है, कितने कितने नंबर का आपका टेस्ट होगा, उसके बाद कितना समय आपको यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे कैटेगरी वाइज, जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए कितने कितने मार्क्स आपको लाने हैं, वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। वहीं दोस्तों इस एग्जाम के पैटर्न के अलावा यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया गया है, ग्रुप वाइज आप सिलेबस को चेकआउट कीजिएगा, कौन कौन से ग्रुप में किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।